So hi guys, this is Abhijit Aij. Welcome to my channel ATA Vlogs. So actually आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा वैक्सीन लेने के लिए। ये बस समझना कि कोरोना का वैक्सीन एक्चुअली कल एक इंसिडेंट हो गया था हमारे घर के सामने जो ट्यूबवेल है उसके सामने। मैं जब कुछ काम कर रहा था तब एक पगली बिल्ली आके मुझे काट दिया, तो उसी लिए कल तो टिटेनस ले लिया था, जो होम रेमेडी है वो भी कर दिया था। तो अभी जा रहा हूँ थोड़ा हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जा रहा हूँ, जहाँ पे ये बिल्ली कुत्ते का काट देने से जो वैक्सीन लगता है, तो वहीं पे जा रहा हूँ अभी। चलो चलते हैं। Tell me what you like. Kiss my lips, raise your flag, we ignite. Been here before, I know I'm your type. तो कार्तिक भगवान का विसर्जन हो रहा है। हम लोग के यहाँ पे एक रिवाज है, जिन लोगों का नए नए शादी हुआ है उन लोगों के घर पे कार्तिक भगवान को सुबह सुबह रख के चले जाना, और वो लोग पूजा है वो करेंगे और सब लोगों को दावत देंगे, सब लोग खाएंगे पिएंगे फिर चले जाएंगे। और उसके बाद 3 साल लगातार कार्तिक भगवान का पूजा करना पड़ता है। कलकत्ता का ड्राइविंग जो कल्चर है ना, वो बहुत खराब है, बहुत खराब। किसी भी मूवमेंट पे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप ठीक तरीके से आपका जो स्किल्स है, बाइक या कोई भी व्हीकल चलाने का जो स्किल है वो अगर आपका बहुत अच्छा नहीं हुआ तो फिर आप गए हो। कभी भी इस कोन से उस कोन से कोई भी आ जाएगा, रास्ते के ऊपर से इस पास से उस पास दौड़ लगाएगा कोई साइकिल हो, ऑटो हो, टैक्सी हो या बाइक ही हो या फिर अदर्स कोई व्हीकल हो, सब मुंडी घुसा देगा आपके सामने। तब इतना गुस्सा आता है ना, आप लोगों को क्या बताऊं। देखो सामने, देखो ये बाइक वाले को देखो, शॉर्ट पिकअप बाइक लेके हू करके घुस गया। ओह शिट, रेल क्रॉसिंग पर गया। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। जल्दी खुल गया तो ओह अच्छा, बाय गॉड जल्दी खुल गया, मुझे रुकना नहीं पड़ा। देखो देखो ये साइकिल वाले को देखो, जहाँ मिलता है शॉल घुसा देता है। आप ये छोटे रास्ते में इतना गाड़ी, अरे बाप रे, यहाँ पे भी जाम, ट्रैफिक तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कोई भी कहीं से आ जाता है, देखता नहीं है कोई भी, सब खुद का रोड समझ के रखा है। कोई लुकिंग ग्लास भी नहीं देखता है, सीधा पीछे देखता है। देखो उस आंटी को देखो कैसे रोड क्रॉस कर रहा है। एक्चुअली ये जो एरिया है, ये जो सामने जो फील्ड देखा है ना, उसके सामने ही है जहाँ पे वैक्सीन लेना है। तो मैं वहाँ से छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि मेरे मौसा का पिकअप करना है मुझे, क्योंकि यही सामने में ही मेरा मौसी का घर है। तो मौसा को पिकअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। देखते हैं मेरा मौसा आया या नहीं आया। लगता है अभी तक नहीं आया, फ़ोन करते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइज़ वैक्सीन लगाना तो हो गया, तो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पे और 3 दिन आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो वैक्सीन लगाया मुझे वो तो 1 डोज़ हो गया और 3 डोज़ बाकी है। अभी जो 2 डोज़ देना है वो कंटिन्यूसली देना है 3 दिन इंटरवल में, और जो लास्ट वाला डोज़ है वो 1 महीना बाद। तो चलो अभी चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को जाते जाते पूरा प्रोसेस बताते हैं। चलो फिर। अगर कोई बिल्ली या डॉगी कुछ काटे आपको, तो फिर पहले तो आपको उसको साबुन से या सर्फ से पहले उस जगह को अच्छा से धोना पड़ेगा, फिर उसमें चून देना पड़ेगा। अब चून को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, अगर किसी को मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चून देने से क्या होता है, ये अगर उस जानवर का कुछ जहर आपके शरीर में रुक गया तो वो वहाँ से निकल जाएगा। जैसे मेरा हुआ था, मैं जब चून दिया था उसके बाद थोड़ी देर में ही जो ब्लड निकल रहा था, पहले रेड था, उसके बाद वो पूरा ब्लैक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोग को टिटेनस लेना पड़ेगा तुरंत। टिटेनस लेने के बाद आप लोगों को पहले या इस टाइम पे भी जब टिटेनस लोगे, जानवर काटने का जो वैक्सीन देता है कि जहाँ पे, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके उन लोगों को दिखाना पड़ेगा जो कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा उन लोगों को। वहाँ पे जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा देख के कि इसका ग्रेड क्या है। जो मेरा केस है, मेरा ग्रेड 3 था, तो मुझे मालूम नहीं अभी ग्रेड कैसे मेज़र करते हैं। वो डॉक्टर बोला ये ग्रेड 3 है। जो पहला इंजेक्शन था वो दोनों हाथों पे हाफ हाफ करके दे दिया, और एक इंजेक्शन था वो 4 हैंड में दे दिया। उसके बाद जो हुआ वही है मोस्ट पेनफुल थिंग। एक इंजेक्शन तैयार किया, तो ये वाला इंजेक्शन वो क्या किया, जो काट जहाँ पे हुआ हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा करके देता रहा, और ईच एंड एवरी टाइम व्हेन ही पुट अ इंजेक्शन वो देयर, तो बहुत पेन हुआ, क्योंकि पैर में जिस जगह पे मेरा कट हुआ वहाँ पे मांसपेशी बहुत कम है, वहाँ पे हड्डियाँ ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत दर्द हुआ। सो उसके बाद डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख लिया, तो प्रिस्क्रिप्शन में बोल दिया जो 3 दिन और आना पड़ेगा, वो डेट फिट सब लिख दिया वहाँ पे, और एक मेडिसिन दिया और एक लोशन दिया। तो बोला लोशन डेली लगाने का और दवाई डेली खाने का, बस वो लिया वहाँ से, देन चल पड़ा घर के लिए। तो गाइज़ ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो यहीं पे एंड करते हैं। सो अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा वो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। तो चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।